हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2009 में आई एक मूवी स्प्रिट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें एक लड़का होता है जिसके पास शहर में रहने के लिए घर नहीं था और वह वहां की अमीर लड़कियों के साथ अफेयर करके उन्हीं के घर में रहता था। अब आगे क्या होगा यह हम जानेंगे इस मूवी में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम मेन कैरेक्टर निक को देखते हैं। निक हमसे कहता है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मेरी मॉम की फ्रेंड को मैं बहुत अच्छा लगता था और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरा एक अफेयर भी हो गया था और अब मेरा एक ही सपना है कि मैं शहर में रहूं और मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि उसके पास खुद का घर नहीं था, इसलिए वह शहर की अमीर लड़कियों को फंसाता है और उनके साथ ही रहता है। अब एक रात हम उसको क्लब में देखते हैं। वह वहाँ की बहुत सारी लड़कियों को पहले से ही जानता था क्योंकि उनका उनके साथ पहले से ही अफेयर रह चुका था। अब यहाँ पर समानता को देखते हैं। वह एक अमीर लड़की थी, उसने लग्जरी चीज़ें पहनी हुई थी। यह बात निक नोटिस करता है और वह उसके पीछे पीछे आने लगता है और वह उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। लेकिन समानता उसको कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो लेकिन मैं तुम्हें घर पर नहीं लेकर जाऊँगी। अब निक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। इस पर समानता उसको ना बोलती है। अब वह दोबारा पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। इस पर समानता फिर से ना बोलती है और अब यह दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और किस करते हैं। अब वह समानता के साथ उसके घर पर जा रहा था और वह हमसे कहता है कि लड़कियों के सामने तुम स्टूपिड सी हरकतें करो, इससे वह सेफ महसूस करेगी। निक के पास इस तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं, इससे वह सक्सेस हो जाता है। और अब उस रात वह दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। मॉर्निंग में जब समानता उसको उठाने आती है तो वह सोने की एक्टिंग करता है। यह भी उसकी एक ट्रिक थी ताकि वह यहाँ पर रुक सके। अब समानता अपना कार्ड यहाँ पर छोड़कर ऑफिस चली जाती है। अब निक उसके लिए फ्लावर मंगाता है और कुक करने की कोशिश करता है। वह अच्छा कुक नहीं था लेकिन वह एफर्ट लगाता है क्योंकि एफर्ट लगाने वाले लड़कों को लड़कियां पसंद करती है। अब समानता के वापस घर आने पर उसको वह बहुत स्पेशल फील कराता है। अब समानता उसको पूछती है कि तुम कोई काम भी करते हो, तो वह उसको कहता है कि मैं सब नॉर्मल सी चीजें करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। और वह उसे ज्यादा कुछ बोलने नहीं देता और यह दोनों वापस इंटीमेट होते हैं। एक दूसरे के साथ एंजॉय करना यही इनकी लाइफ स्टाइल बन गई थी। समानता निक की लाइफ स्टाइल मेंटेन करती है। यह दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। अब थोड़े दिन बाद निक बोर होने लगता और समानता कब घर से बाहर जाए इसी का वेट करता है। समानता उसको बताती है कि उसे ऑफिस के काम से बाहर जाना है और वह निक को साथ जाने के लिए बोलती है लेकिन वह मना कर देता है कि मुझे पार्टी करनी है। अब वह समानता को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके समानता के घर पर ही पार्टी करने का प्लान करता है। निक का एक बहुत अच्छा दोस्त होता है हैरी। जब निक के पास कोई भी रहने की जगह नहीं थी तो वह हैरी के पास ही रहता था। निक हैरी को समझाता है कि किस तरह लड़कियों को हैंडल करना चाहिए। पार्टी में निक की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और वहां पर तमाशा करने लगती है। तब निक हैरी से कहता है कि इसे तुरंत यहां से लेकर जाओ नहीं तो यह मेरा भांडा फोड़ देगी। अब वह उस पार्टी में सब लड़कियों को बता रहा था कि वह एक मिलियनियर है। अब एक लड़की उसको अप्रोच करती है और उसके साथ दरवाजे तक चलने के लिए कहती है लेकिन वह अंदर आ जाता है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अब रात को निक और हैरी हैंगआउट कर रहे थे। तब हैरी कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी क्या उसके जाने पर भी तुमने ऐसी ही पार्टी की थी। यह सब करते हुए निक को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता। वह लड़कियों की फीलिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब पार्टी की सब चीजें मेड को क्लीन करनी पड़ी। इससे समानता को सब पता चल जाता है। अब समानता उसको कॉल करके बताती है कि आखिर वह किस दिन वापस आ रही है। उस दिन निक बहुत सारी लड़कियों को कॉल करता है और वह हमसे कहता है कि अगर मैं लड़कियों को कॉल नहीं करूं तो मेरा सब काम चौपट हो जाएगा। उसे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब एक दिन निक अपनी पुरानी फ्रेंड को घर पर बुलाता है। दरअसल वह फ्रेंड उसके बारे में सब कुछ जानती थी और वह उससे कहती है कि तुम अब किसे फंसा रखे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो 10 साल में तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। उसके दिल में निक के लिए फीलिंग्स थी लेकिन वह निक से कमिटमेंट चाहती थी लेकिन निक ऐसा नहीं करता। अब वह दोनों इंटीमेट होते हैं। अब वह लड़की निक से कहती है कि हम दोनों को अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए लेकिन निक उसको कोई जवाब नहीं देता।
तब उसको रियलाइज होता है कि निक उसकी कोई केयर नहीं करता। अब समांता निक को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन जल्दी आ जाती है। तब निक किसी लड़की के साथ होता है और वह समांता को सॉरी कहता है, लेकिन वह उस पर गुस्सा हो गई थी। इस पर निक उसको कहता है कि मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया है, हमने अपने रिलेशनशिप को अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। वे दोनों जानते थे कि वह एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इस पर वह डिसाइड करते हैं कि वह हमेशा फ्रेंड रहेंगे और वे आपस में अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं। अब निक एक कैफे में जाता है, वहाँ पर वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम हैदर था। वह उसको बार बार अप्रोच करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। तब वह बिल पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर वहाँ से चला जाता है और पेमेंट भी नहीं करता। कैफे में एक डिलीवरी बॉय था जो निक का पता जानता था। अब हैदर उसका पता निकाल कर डायरेक्ट उसके घर पर आ जाती है और कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मेरा पैसा वापस करो, और गुस्से में पैसा लेकर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में समांता निक के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। अब निक हैरी को अपने साथ उसी कैफे में लेकर जाता है जहाँ हैदर होती है, और वह वहाँ पर खुद को बहुत बिजी दिखाने की कोशिश करता है। उसकी गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में खड़ी थी तो एक लेडी ऑफिसर उसका टिकट काटती है। उसके पास पैसे नहीं होते तो वह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हैदर यह सब देखकर मुस्कुराने लगती है। अब समांता नोटिस करती है कि निक का उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब नेक्स्ट डे निक हैरी के घर पर होता है, लेकिन वह हैरी के रूम और उसके गंदे कपड़ों का मजाक उड़ाता है। इस पर हैरी उसको यहाँ से निकाल देता है। अब एक दिन हैदर निक को कॉल करती है कि वह उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब वह डेट पर थोड़ा लेट पहुँचती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है और वह उस कॉल पर कहती है कि तुम मंकी हो, और वहाँ से वापस चली जाती है। निक हैदर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसको कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती। इस बिहेवियर पर निक बहुत गुस्सा हो जाता है। अब एक दिन समांता निक से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। इस पर निक उसको मना कर देता है। अब वह वापस इंटीमेट होते हैं। अब समांता निक को कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो, लेकिन वह हॉस्पिटल क्यों जा रही थी यह निक को नहीं बताती। अब हैदर निक को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम आज फ्री हो, और हम देखते हैं कि हैदर वहीं पर स्विमिंग पूल में होती है और निक उसको कहता है कि तुमने उस दिन जो कुछ भी किया था वह बहुत अजीब था, और वह मंकी कौन है। इस पर हैदर उसको बताती है कि मैं मेरे छोटे भाई को मंकी बोलती हूँ क्योंकि वह अब नॉर्मल बच्चा है, और वह यह कहकर रोने लगती है। अब निक और हैदर यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं। अब मॉर्निंग में जब निक हैदर की गाड़ी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह बहुत एक्सपेंसिव कार है, और हैदर ने जो कुछ भी उसको रात में कहा वह सब झूठ था। जिस तरह निक अमीर लड़कियों को फंसाता है, उसी तरह हैदर भी अमीर लड़कों को फंसाती है। यह सब निक समझ जाता है और वह हैदर को घर से निकाल देता है। अब दो दिन के बाद समांता वापस हॉस्पिटल से आ जाती है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवाई थी, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत थी। तो निक क्लब में चला जाता है और वह किसी और लड़की के साथ होता है। इस पर समांता बहुत गुस्सा हो जाती है। निक भी समांता से परेशान हो गया था। गुस्सा शांत होने पर वह समांता को कहता है कि तुम्हें भी कोई और लड़का मिल जाएगा। अब समांता निक को पूछती है कि तुम कहाँ जाओगे। इस पर निक कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। उसी समय निक के पास एक लड़की का कॉल आता है, तो समांता फिर से गुस्सा हो जाती है और वह निक के मोबाइल को पानी में फेंक देती है। अब निक के पास किसी का भी कांटेक्ट नहीं था और वह किसी के पास भी नहीं जा सकता था। उसे स्ट्रीट पर ही रहना पड़ता है। अब वह रात को अपनी ओल्ड फ्रेंड के घर जाता है और उसे अप्रोच करने लगता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। इस पर वह कहती है कि तुम मेरी कभी भी केयर नहीं करते, और वैसे भी वह लड़की किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वह निक को मना कर देती है। अब निक एक क्लब में जाता है, वहाँ पर हैरी अपने एक दोस्त के साथ होता है। वह दोस्त क्लब में लड़कियों से गलत बिहेव कर रहा था। इस पर निक और उसकी लड़ाई हो जाती है। तब हैरी उसको बोलता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हें भी लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलने में मजा आता है, मैं मेरी बहन को कभी भी तुमसे मिलने भी ना दूं। इस पर निक हैरी की बहन के बारे में कुछ गलत बोलता है, तो हैरी और निक की भी लड़ाई हो जाती है। अब निक हैरी के पास भी नहीं रह सकता था। वह एक पार्टी में जाता है, लेकिन वह प्राइवेट पार्टी थी, उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वह अपनी मॉम को कॉल लगाता है क्योंकि वह इस शहर में आने के बाद
उनसे मिलने भी नहीं गया था। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या काम करते हो, तो वह उनको कोई रिप्लाई नहीं देता। इस पर उसकी मॉम भी उससे गुस्सा हो जाती है। अब निक एक होटल में एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है, तभी हैदर उसको देख लेती है। जब हैदर निक के पास आती है तो निक ने जो कुछ भी उसके साथ किया था वह उसके लिए हैदर को सॉरी बोलता है। इस पर हैदर उसको कहती है कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। निक के पास खाने के भी पैसे नहीं थे तो हैदर उसको अपने घर पर ले जाती है। हैदर का भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। अब हैदर निक के साथ टाइम स्पेंड करती है, तभी उसको एक फ्रेंड का कॉल आता है कि एक मिलियनर लड़का है जिसका अभी ब्रेकअप हुआ है, तुम वहां जाकर ट्राई कर सकते। तभी हैदर निक को भी अपने साथ उस पार्टी में लेकर जाती है। अब उस लड़के को पटाने के लिए निक हैदर की मदद करता है। अब वह लड़का हैदर से बात करता है। अब पार्टी के बाद निक हैदर से कहता है कि तुम्हें जो भी पैसा मिलेगा उसका एक हिस्सा मुझे भी दोगी। इस पर हैदर उसको मना कर देती है। अब रात को हैदर निक को सोफे पर सोने के लिए कहे, लेकिन थोड़ी देर बाद निक उसके रूम में आ जाता है और उसको कहता है कि हम दोनों एडल्ट हैं, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब धीरे धीरे निक हैदर के पास आता जाता है और अब यह दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। यह दोनों जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ बहुत होनेस्ट रहते हैं। अब एक दिन एक लड़की निक को पहचान जाती है और वह उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। इस पर हैदर को बहुत बुरा लगता है। हैदर निक के सारे हालात समझ लेती है। अब यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हैदर का किसी और लड़के से मिलना निक को पसंद नहीं आता है। अभी एक दिन हैदर का पुराना बॉयफ्रेंड हैदर को शादी के लिए प्रपोज करता है। निक इस बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तब हैदर उसको बताती है कि वह बहुत अमीर है, तो निक उसको कहता है कि तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। तब हैदर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर निक कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और वह यहाँ से चला जाता है। अब उसे पता चलता है कि हैदर न्यूयॉर्क जा रही है, तो वह उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह चली जाती है। अब एक दिन निक कुछ सामान खरीद रहा था, तभी उसको एक पुरानी दोस्त मिलती है। वह बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो निक उसको घर पर छोड़ने के लिए जाता है। तभी उसके पास हैदर का कॉल आता है और वह उसको कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं कुछ ना कुछ काम कर लूंगा और हम दोनों साथ रहेंगे। तभी हैदर उस लड़की की आवाज़ सुन लेती है और वह गुस्सा होकर फोन काट देती है। अब निक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब वह हैदर की रूममेट से बात करता है तो वह उसको कहती है कि तुम हैदर के लिए रिंग और फ्लावर लेकर जाओ और उसे प्रपोज करो। अब निक अपने दोस्त हैरी के साथ एक रिंग खरीदता है और न्यूयॉर्क पहुंचता है, तो वह देखता है कि हैदर एक बड़े बंगले में रह रही थी। तो निक उसको समझाने लगता है कि तुम जो ये कर रही हो यह सब फेक है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओ। इस पर हैदर कहती है कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है और तुम सिर्फ वादे करते हो और एक्शन नहीं लेते। इसी बात से वह बहुत ज़्यादा डरती है और उसने यह भी बताया कि उसकी शादी हो गई है। तभी निक उसको कहता है कि तुम डिवोर्स ले सकती हो। तब हैदर उसको बताती है कि यह सब उसकी मर्जी से हुआ है क्योंकि वह अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। अब हैदर का हस्बैंड आता है तो वह उससे कहती है कि इस डिलीवरी बॉय को थोड़ी टिप दे दो। इन सब चीज़ों से निक अंदर से टूट गया था और वह डिसाइड करता है कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। वह रियल में डिलीवरी बॉय की जॉब ले लेता है। एक दिन वह समांता के घर पर डिलीवरी करने जाता है तो वह एक दूसरे को कहते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अब निक हमसे कहता है कि इस शहर में बहुत सारे लड़के अपने सपने लेकर आते हैं लेकिन थोड़े दिन में वापस चले जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ईमानदारी से काम करूँगा और वह रियल प्यार को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। फाइनली वह सुधर चुका था। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।